अदिति'स किचन में आपका फिर से स्वागत है। अगर घर में किसी प्रकार की सब्जी नहीं हो तो आप बना सकते हैं राजस्थान की प्रसिद्ध गट्टे की सब्जी, जो खाने में बहुत ही लाजवाब होती है। इसे किस तरह से बनाते हैं चलिए देखते हैं। मारवाड़ी स्टाइल गट्टे की सब्जी बनाने के लिए एक बाउल लेंगे, इसमें डालेंगे एक कप बेसन। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ और एक चौथाई चम्मच अजवाइन, और इसको हाथों से मसल के डालेंगे। अब इसमें डालेंगे दो चम्मच तेल और लास्ट में इसमें दो चम्मच दही भी डालेंगे। अब इनको हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह मिक्स होने के बाद ही हम इसमें एक एक चम्मच करके पानी डालेंगे, एक साथ ज़्यादा नहीं डालेंगे। एक बात और है कि आटा ना तो ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही ज़्यादा नरम। ये देखिए कुछ इस तरह का होना चाहिए। अब हाथों में थोड़ा सा ऑयल लेंगे ताकि आटा हाथों पर ना लगे। अब इसके चार पांच भाग कर लेंगे और एक लोई लेंगे, इसे इस तरह से लंबाई में फैलाएंगे, कुछ इस तरह से सिलिंड्रिकल शेप में तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए सब बनकर तैयार है। अब इन्हें उबालेंगे। तो साइड में मैंने दो कप पानी बॉईल होने रख दिया था, तो सारे गट्टे अब हम इसमें डाल देंगे। अब इसे ढक्कन लगाकर 5 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर उबलने देंगे। इसका पता हमें कैसे लगेगा कि ये उबल गए हैं? तो गट्टे पानी की सतह से ऊपर उठ जाएंगे और इनके चारों ओर बबल्स भी आ जाएंगे। तो 7 से 8 मिनट हो गए हैं, ये देखिए गट्टे कितने अच्छे से पक गए हैं और बबल्स भी आ गए हैं। अब इन्हें किसी सरफेस पर निकाल लेंगे और जो बचा हुआ पानी है वो बाद में हम ग्रेवी में काम लेंगे। अब इन गट्टों को नाइफ की मदद से इस तरह छोटे छोटे हिस्सों में काट लेंगे। ये देखिए सारे गट्टे तैयार है, चलिए अब इनकी सब्जी बनाएंगे। तो सबसे पहले एक मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मैंने 3/4 कप ताज़ा दही लिया है, इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर डालकर इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे, इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल, आप ये घी में भी बना सकते हैं। तेल गर्म होने पर इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच हींग और 1/2 चम्मच सरसों। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच लहसुन पेस्ट और छोटी छोटी कटी हुई 1 हरी मिर्च भी इसमें डाल देंगे। इनको मिलाएंगे। अब इसमें जाएगा 1 बारीक कटा हुआ प्याज और मिक्स करेंगे। प्याज को ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस 1-2 मिनट के लिए भुनेंगे। अब इसमें दही वाला मिक्सचर डाल देंगे। ये डालने के बाद इसे चम्मच से लगातार हिलाते रहेंगे, वरना दही फट सकता है। अब इनको थोड़ा सा पकने देंगे। तो ये देखिए ग्रेवी में से तेल छूटने लग गया है। अब इसमें गट्टे और गट्टे का जो पानी था वो दोनों ही इसमें डाल देंगे। अब बस ढक्कन लगाकर सिर्फ 2-3 मिनट के लिए और पकाना है। 3 मिनट हो गए हैं, एकदम लाजवाब गट्टे की सब्जी बन गई है। लास्ट में थोड़ा सा धनिया डालेंगे और थोड़ा सा गरम मसाला। तो बस गट्टे की सब्जी बनकर तैयार है। रोटी के साथ इसे गर्मा गर्म सर्व करिए। तो दोस्तों, एक बार इस तरह के गट्टे की सब्जी बनाना तो बनता है। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए अच्छा खाइए, खुश रहिए। नमस्कार।